अगर आप भी देखना चाहते हैं कबूतरों के एक्साइटिंग वीडियोस और भी जानवरों की, तो जल्दी से इस लाल बटन को दबाएं और साथ में इस रिंग आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंच पाए। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं आपका दोस्त अमन, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में। दोस्तों आज आ रखे हैं मेरठ के अंदर, छत के ऊपर आ रखे हैं। जिस छत का जो लोकेशन है यहाँ की भगवतपुरा है और हमारे दीपांशु भाई की छत है, जिनके आपको मोस्टली एक ही नस्ल का शौक कराएंगे सिर्फ आपको, जो उन्होंने पाली हुई है काफ़ी समय से। तो पहले उनसे बात करते हैं फिर आपको नस्ल के बारे में बताते हैं। लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। ये हमारे दीपांशु भाई, क्या हाल चाल भाई? तो दीपांशु भाई से बात करते हैं। भाई कब से लगभग शौक कर रहे हैं आप? काफ़ी टाइम हो गया शौक को करते हुए। पहले कुछ क्या पाला सबसे पहले स्टार्टिंग में? सबसे पहले कांगड़े बनाए थे। कांगड़े पाले थे आपने? कांगड़े कबूतर पाले हुए थे पहले। और अब क्या शौक कराएंगे आज आप हमें? देवबंदी। सिर्फ देवबंदी कबूतरों का? मोस्टली भाई सारे के सारे वाइट आइज में हैं। सर सफ़ेद आँख का शौक किया हुआ है, देवबंदियों का बहुत खूबसूरत है वो, तो आप लास्ट में वीडियो देखेंगे चलेगा पता। जो उड़ान के साथ साथ में खूबसूरती भी है इसके अंदर, क्योंकि कुछ कबूतरों में सिर्फ खूबसूरती खूबसूरती है जो आजकल नए बनाए हैं पैटर्न में, लेकिन ये पुराने वाले देवबंदी हैं जो असली देवबंदी आप कह सकते हैं जिन्हें। तो भाई बिना देरी करें, धूप बढ़ रही है और करते हैं वीडियो की शुरुआत। दिखाते हैं आपको सबसे पहला कबूतर और लेके चलते हैं कबूतरों की तरफ आपको। तो भाई शुरुआत करने जा रहे हैं सबसे पहले कबूतर से, जो जिस कबूतर के बाद में इन्होंने नस्ल की शुरुआत करी। तो पहले तो आप उसकी आँख का फोकस देख लें पहले आप। ये देखें आप, बहुत ही खूबसूरती के साथ में आँख आपको अगर दिख रही हो, ठीक है। पल्लों का शौक कराते हैं आपको इसके। ये पल्ले हैं भाई इसके, ये देखें आप। और सबसे बड़ा कबूतर यही है, इसी के साथ में शौक की शुरुआत की थी इन्होंने देवबंदियों की। और लगभग सारी ब्रीड जो अब तक की है वो इसी कबूतर की ब्रीड है इनके पास में। छोड़ दूं से नीचे? उसके बाद दोस्तों आपको लगातार दिखाते चलते हैं देवबंदी, तो देखते जाएं और शौक करते जाएं। आंखों का शौक करें सबसे पहले आप। एकदम उजाले वाली आंखें, एकदम वाइट आइज में और बहुत अच्छा रिंग, हल्का लालपन आंखों के अंदर। और वजूद देख लें पहले कबूतर का आप एक बार, जो रूप रंग है। बेटा रुको, हिलो मत बेटा, फोकस ना हो रहा है ऐसे। अब हुआ फोकस, जाओ गर्दन के ऊपर। और इसके बाद में अगर आप पल्ले की बात करें तो पल्ला कुछ इस तरह से है भाई इसका कबूतर का, और पंजे कुछ इस तरह से। नेक्स्ट जो है आपको ये देखें आप, आईज देखें बहुत ही अच्छी आईज के अंदर है। और यह है कबूतर का वजूद कंप्लीट, ठीक है। प्लस परों की बात की जाए तो ये कुछ इस तरह से इसके पर हैं, और पंजों की बात की जाए तो पंजे कुछ इस तरह से। अब नेक्स्ट आपके सामने ये देखें आप, तिल भी बहुत खूबसूरत है, आंखें बिल्कुल सफेद। ये पल्ला इसका और ये पंजे। सिर्फ एक कबूतर है जर्चा इसके अंदर, ये देखें आप, जर्ची आंखों में है देवबंदी। पल्ले की बात करें तो पल्ला कुछ इस तरह से है इसका, और वजूद इसका ये है, ये देखें आप। उसके बाद ये देखें आप, ये अभी की लेटेस्ट पठियां हैं ये, पर आप देखें बहुत ही खूबसूरत सब उड़े हुए हैं। ये शर्तों में उड़ा चुके हैं ये यहाँ पे मेरठ के अंदर। अब नेक्स्ट आपके सामने पर ये पंजे।
ये देखें आप आंखें इसकी, ये इसके पर और ये इसके पंजे। अब नेक्स्ट आपके सामने देखिए देवबंदी का काफी अच्छा कलर है। मैं तो आपको आंख का क्लोजअप दिखाते हैं, आंख काफी शानदार है इसकी, ये देखो जी। अभी खुर्च में है कबूतर थोड़ा सा, और पल्ला आप देखें इसका, ये पल्ला है इसका, जलदारों के अंदर कबूतर है हल्का ये, और ये है इसके पंजे। ये इस कबूतर है जो मादिन लगा रखी है, वो देखें आप, ये पर और ये पंजे। ये इसी झोल की पट है देखें आप, ये पर हैं इसके और ये पंजे इसके। ये लगभग सभी कबूतर जो है इनके उड़ाए हुए हैं, और ये देखें आप इसकी आंखें, ये पर और ये पंजे जामनी एकदम। आंखें देखें काफी अच्छी हैं इसकी आंखें, थोड़ा और क्लोजअप लेके जाते हैं आपके सामने। परों की बात की जाए तो पर बिल्कुल सफेद हैं बेधाग हैं, और पंजों की बात की जाए तो पंजे कुछ इस तरह से, जो आपको भी दिखाए थे हमने देवबंदियों में जालदार जो होते हैं उसके एक पट देखे, ये निकली है, ये पट्ठा निकला है इस बार, ये पर देखे आप इसके, दुम देखे, दुम का रंग कितना पसंद बेहतरीन एकदम बहुत शानदार, और ये पंजे देखेंगे तो और मजेदार, बिल्कुल जामनी पंजे। उसके बाद में ये देखें आप, पर और पंजे, एक ये देखें आप, ये आंखें, ये पर और ये पंजे, पंजे देखें बहुत ही शानदार। उसके बाद आप अप नेक्स्ट देखें आप, सब एक ही परिवार है, टोटल परिवार एक ही है, और कलर वेरिएशंस देखें आप जो बने हुए हैं इसके अंदर ही, परिवार के अंदर ही बहुत ही खूबसूरत वाले पंजे देखें आप, बहुत ही शानदार। और ये देखें आप एक पट्ठा जो कि देवबंदियों में से है और बहुत ही खूबसूरत, ये आंखें हैं, ये पर है और ये पंजे। तो भाई अब करते हैं कबूतरों की शुरुआत फिर से, लॉफ्ट के अंदर आ चुके हैं, जोड़े वाले कबूतर हैं भैया के, तो पहले तो आप आग का क्लोजअप देख लें आप इसकी, ये देखो जी, ये परों की इसकी लेंथ है, एकदम, और ये वजूद पूरा, उसके बाद जी ये देखें आप, ये आंखें, ये पर देखें आप इस कबूतरी के, और ये देखें पंजे। अब नेक्स्ट आपके सामने मोस्टली सारे सफेद आंखों के हैं, और देवबंदी कबूतर है, शौक किया हुआ काफी अच्छा, और एक आंख का शौक किया हुआ है, एक नस्ल एक रंग एक आंख का, और उड़ान साथ में,
ये देखिए अब नेक्स्ट आपके सामने फिर आग देखिए आप ये वाली ये देखो ये आंखें हैं ये हैं इनके पर और ये हैं इनके पंजे अब नेक्स्ट आपके सामने पुटली ब्रीड सारी एक है शाम आपको बता रहे हैं बस क्योंकि मेन चीज एक ही है एक ही परिवार है एक ही परिवार के सारे रतन इतने भी हैं ये पर हैं इसके और ये पंजे हैं इसके ये देखें आप आंखें कितनी प्यारी हैं ये पर हैं इसके ये पंजे हैं इसके उसके बाद ये देखें आप आके ये पर और ये पंजे कोई दिक्कत नहीं अगली बार तक तो ये भी असीन कर दूंगा ये देखें आप अब नेक्स्ट आपके सामने आंख देखें आप ये पर ये पंजे अब नेक्स्ट आपके सामने ये देखें आप ये बच्चा है अभी आंख साफ कर रहा है परों के लेंथ देखें आप प्लस पंजे भी फिलहाल अभी डार्क कर लेगा काफी हद तक अब नेक्स्ट आपके सामने ये देखें आप आंखें सभी की काफी अच्छी हैं ये पर छोटे परों में और ये पंजे और प्रॉपर ये वजूद इसका ये देखें आप खूबसूरती अब नेक्स्ट आपके सामने ये देखें आप वाइट आइज ये पर इसके और ये है इसके पंजे अब नेक्स्ट आपके सामने फिलहाल ये कबूतर ही खुर्च पे लेकिन कबूतर काफी खूबसूरत लगा तो मैंने आपसे शेयर करते हैं सभी लोगों से पर देखें आप इसके और ये देखें इसके पंजे उसके बाद ये देखें आप आंखें फिलहाल खुर्च में है कबूतर अभी लेकिन खूबसूरती वही रहेगी भाई जो असलियत है उसके अंदर और पंजे देखे तो भाई पंजों में तो बस सारे ही फेल कर दिए रूट में ये पुराना शौक है हमारा इसके बाद ये देखें आप खूबसूरती यह पर और पंजे बहुत ही बेमिसाल बहुत ही खूबसूरत अब नेक्स्ट आपके सामने ये देखें आप और परों की बात करें तो भाई पर इसके कुछ इस तरह से हैं और पंजों की बात करें तो पंजे इसके भी भाई बस बेही मिसाल बिल्कुल बिल्कुल जाम नहीं एकदम ये देखें जी इसकी आंखें ये इसके ऊपर ये इसके ऊपर तो ये देखें जी आप आंखें ये देखें इसके ऊपर और पंजे ये देखें और ये लास्ट आपके लिए देखें आप आपके सामने
ये पर, ये पंजे। भाई आज दीपांशु भाई सब पे आ रखे थे और कुछ मेहमान भी आ रखे हैं साथ में, तो आपसे मिलवा देते हैं। अभी आपका नाम मेहमान नहीं है, ये मेरे उस्ताद हैं। मैं भाई फिलहाल तो मेरे लिए तो मेहमान हो ना अभी आप। हाँ, नाम तो मेरा संजू है, संजू भाई। ये मेरे उस्ताद हैं राजा खलीफा, राजा खलीफा जी शागिर्द है लड़का हमारा। ठीक, दीपांशु भाई जो है ये शागिर्द है, ये इनके दीपांशु भाई के पिताजी है राजा जी, और ये हमारे संजू भाई। तो भाई कुल मिला के शौक जो था आज का था नस्ल का शौक, जो तीन चीजें मैंने आपको बताई थी, रंग, नस्ल और उड़ान, ये तीनों चीजें यहाँ पे आपको मौजूद देखने को मिलेंगी। और किसी भाई को अगर कोई दिक्कत हो या कुछ सोचता हो कि भाई हल्के में ले रहा हो, तो भाई आकर के उड़ा करके चेक कर ले। ये सारी छतें अगर आपको दिख रही हो, आसपास के अड्डे लगे हुए हैं, ये सब मोस्टली काफी सारे जो है, जैसे सामने जाल देख रहे होंगे आप, ठीक है, वो सब शागिर्द ही है भैया के। तो ऐसा नहीं है कि उड़ान नहीं उड़ाते, उड़ान भी उड़ाते हैं, प्लस तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए आपको आज। इसे कहते हैं भाई नस्ल, गल्ले से जाके कबूतर खरीद के ले आए 20 एक रंग के और वो लाके रख लिए तो वो नस्ल नहीं है। नहीं, घर की नस्ल बना, एक जोड़ा लेके आए, उसके बच्चे निकलवाए, उसके बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, इन ब्रीडिंग करवाते हुए आगे तक नस्ल बढ़ाई और नस्ल में उड़ान भी आ गई और नस्ल की प्योरिटी भी हो गई। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में पहले पहले कमेंटों से भर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली दफा वीडियो देख रहे हैं, तो भाई सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के एक्साइटिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योर पेट्स, बाय बाय।